के यहाँ से जो भी इफ्तारी आई है कुछ इस तरह से मैंने सैम्बल किया गया है। सारा फ्रूट सेक्शन इधर डाल दिया, पपाया, वाटरमेलन एंड मस्कमेलन, ग्रेप्स, बनाना एंड गुआवा, एप्पल, डेट्स एंड ये सब चीज़ें आज आ गई हैं। कल बाकी हाफ त्योहारी कल आएगी, तो यहाँ सैम्बल करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से मैंने फ्रिज में स्पेस निकाल कर सब चीज़ लगाई क्योंकि ऑलरेडी इतना फुल है। हस्बैंड ने पूरे फुल मंथ की ग्रोसरी कर ली है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि मम्मा पापा ने जो इफ्तारी भेजी है उसको सैम्बल करना। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अल्लाह का शुक्र भी ना चाहिए। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी डैडी और ऐसे हस्बैंड मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके सब स्पेस बना ली है माशाल्लाह, और इधर मैं अपने सारे मसाले एंड ऑल रखती हूँ। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बोला कि मैं फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर नहीं कर पाती, तो सोचा क्यों ना इस वीडियो में ऐड कर दूँ। तो या गाइस, ये ऊपर सारे मैंने जितनी मैंने चटनी वगैरह बनाई है, पिकल्स हैं, ये वो सेक्शन है। फिर इधर दूध एंड दही का सेक्शन है। फिर नीचे आ जाते हैं सेकंड शेल्फ में, यहाँ देसी घी एंड जो मलाई मैं निकाल कर रोज़ रखती हूँ वो उसका सेक्शन, और यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट। इधर सारे डेट्स एंड स्लाइसेस, उसके नीचे फ्रूट का सेक्शन, उसके नीचे वेजिटेबल्स, उसके नीचे ड्राई फ्रूट्स एंड जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी होती हैं वो इधर आ जाते हैं। इधर सारे हमारे ऊपर मैंने टमाटोज़ लगा रखे हैं, एग्स, ये सारा और सामान है। फिर आ जाते हैं पाउडर्ड मसाले एंड नीचे सोया सॉस, विनेगर एंड कैचअप, बाकी वाटर बॉटल्स, यू गाइस कैन सी दिस। और इधर आ जाते हैं फ्रीज़र में, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बना कर रखती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इधर सारा मीट है और ये आइस ट्रे, सोया, दैट्स इट। तो आज मैंने आपको क्विक सा एक फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन हॉल भी दे दी है। ये बिग साइज़ फुल साइज़ फ्रिज है, इसमें देखें आप स्पेस नहीं बाकी है। आई डोंट नो कैसे निकालूंगी, लेट्स सी। सोया गाइस, सो अभी जस्ट बिरयानी एंड चिकन इनसे मैंने मंगवाया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मम्मा ने मेरी शीर माल, तो चलो खाते हैं। फिर लोग को साथ लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई अपने रूम में और मुझे बहुत ही बहुत शरीर भूख लग रही थी। मैंने इनको फ़ोन किया, ये थे बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अभी कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं मालूम, और वहीं से तो मेरी चिकन बिरयानी एंड फ्राई लेकर आए। और अभी टाइम हो रहा है रात के 12:23। अहमदाबादी रेस्टोरेंट करके कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ से लेकर आया। बहुत मज़े का खाना है, ट्राई ज़रूर करना है। मैं लोकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में आगे मैं दे दूँगी, ट्राई करना ज़रूर। डिलीशियस, कि इसके बिना ये मेरा डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं। मैंने जबकि बोला भी नहीं था ले आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कल से अब मतलब रात को मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था पर इंट्रो शूट नहीं कर पाई थी। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और आज है 10 सहरी और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ चपाती गर्मा गर्म, और इधर डिनर मैंने बनाया था पालक गोश्त, आप देख सकते हो। एंड अभी गर्म गर्म के लिए रख दिया मैंने। एंड यस, चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो गुड इवनिंग, मैं आ गई हूँ किचन में गाइज। अब मैं इफ्तार की प्रिपरेशन करूँगी और सबसे आज मैं काटने जा रही हूँ फ्रूट, क्योंकि आज जो है इफ्तारी भाई भेज रहा है मेरे घर पर, तो इसीलिए अभी मेरे पास है टाइम। तो मैं जा रही हूँ कट करने फ्रूट, और अभी मैं करूँगी वाटरमेलन कट, मदर लॉ कट कर रही है मस्क मेलन, तो चलो कट करते हैं इसको। यहाँ आ गए हैं जी मेरे कपड़े रोस्टर जी के यहाँ से सिलकर, तो मैं आप लोगों को सब पूरा हॉल दूंगी, लेकिन ईद से पहले। ओके, यहाँ पर मैंने आलू प्याज मिक्स एंड कैबेज ले ली है और आज बस मैं यही बना रही हूँ, बाकी लेट्स सी अभी क्या होता है। से आ गई है इफ्तारी एंड सहरी भी। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या, अकेला बच्चा, इतनी छोटी सी जान, और क्या क्या सामान लेकर आए छोटी सी जान मम्मा ने। अरे वो मैंगो शेक्स, बैठ जाओ बेटा, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के, अरे बैठ जाओ ना, बैठ जा यार। ओहो माशाल्लाह, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट हैव अ लुक, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये सब सहरी आई है, बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को।
सो ये आ गए मैंगो शेक्स एंड इधर है नूडल्स स्प्रिंग रोल्स एंड मैं जब अफ्तारी पे लगाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी, इसलिए मैं कम बना रही थी अफ्तारी। सो मैं इनको डालने जा रही हूँ फ्रीजर के अंदर। सो लेट्स गो जी। सो यहाँ बना रही हूँ मैं मिक्स आलू प्याज पकौड़े एंड साथ में ये कैबेज पकौड़ी, और साथ में भाई ने भेजी अफ्तारी नूडल्स स्प्रिंग रोल्स एंड मैंगो शेक। तो आज मैं रूह अफ्जा भी नहीं बना रही हूँ, मिल्क शेक रूह अफ्जा वाला, और बस सिंपल सी नहीं काफ़ी भारी अफ्तारी होगी। एंड मॉम की तरफ से सैरी का सामान आया, सारा आप लोगों को इफ्तार के बाद दिखाऊंगी। ओके तो यहाँ पर ये रेडी हो गई है और अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। ओके जी, यहाँ पर कैबेज पकौड़ीज डाल दिए हैं एंड बस थोड़ी देर में डिश आउट करूँगी और 10 मिनट्स बिफोर जाना है। एज यूजुअल से मैं आप लोगों के साथ कहती हूँ कि दुआ मांगनी बहुत ज़रूरी है इफ्तार में 10 मिनट पहले जाकर। सो मैं भी पूरी ट्राई करती हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। सो बस ये हो जाएगी डन, फिर लेकर चलते इफ्तारी सारी। इसको भी निकालते हैं हम। ये भाई ने जो इफ्तारी भेजी है मैंगो शेक्स हैं एंड ये टेम्पटेशंस के नूडल्स हैं, ये स्प्रिंग रोल्स हैं और साथ ही कैबेज और मिक्स आलू प्याज मिक्स मैंने पकौड़े बनाए और साथ में फ्रूट स्ट्रिंग्स, ये सब चीज़ें हैं। तो चलते हैं टेबल इफ्तार के टेबल पर इसको लगाते हैं। सो लेट्स गो। टाइम है इफ्तार में तो मैं चलो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि मम्मा ने सहरी में भेजे हैं ये खजले और साथ में फैनी और दूध और शुगर के जो पैसे आते हैं वो 500 रुपीज़। सो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने सोचा आपको पहले दिखा दूँ क्योंकि फिर इफ्तार के बाद आज मुझे मम्मी की तरफ जाना है, तो इसीलिए यहाँ मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है सब चीज़ें। और कल आई थी सारी इफ्तारी, आ जाएगी सारी सहरी और कल फिर वापस से इफ्तारी आएगी। और प्लस भाई ने भी भेजी है इफ्तारी नूडल्स एंड मैंगो शेक एंड स्प्रिंग रोल्स। सो या चलो अब चलते इफ्तार टेबल पर जल्दी से। यहाँ पे सहरी के सामान के साथ खजला फैनी और साथ में हमारे यहाँ की ब्रांडेड डबल रोटी और सारी वगैरह भी। चलो चलते हैं जल्दी से टेबल पर। सो हस्बैंड ने बनाया आज मिक्स कॉकटेल और इसमें आइस क्यूब्स कम डालें क्योंकि ये ज़्यादा नहीं लेते हैं। और इधर बनी है और जूसेस और यहाँ है जी हमारे मैंगो शेक्स जो कि भाई ने भेजी आज इफ्तारी, और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी इसको हमने कवर्ड कर दिया है थोड़ा सा हवा ना लगे। तो यार अलहमदिल्ला टेबल लग चुकी है माशाल्लाह, ये है सेव पूरी। सो अलहमदिल्ला चलो इफ्तार करके फिर मिलती हूँ आपको। फ्रूट्स ड्रिंक्स कॉकटेल मैंगो शेक्स फ्राइड आइटम सब चीज़ें लग चुकी हैं टेबल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वेटिंग फॉर साइरन। चुके हैं स्ट्रॉ अल्हम्दुलिल्लाह। सो डिलीशियस मैंगो शेक विद आइसक्रीम, यमी यमी। और साइरन हो चुका है। और आपका कॉकटेल कैसा बना, लेट मी ट्राई। ओह माय गॉड दिस इज आल्सो सो डिलीशियस। हालांकि टेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो जी अब इसको करते हैं ओपन। सारे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सबसे बेहतरीन है मैंगो शेक विद आइसक्रीम अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सफा चल रहा है। ये रही मेरी घर मतलब मेरा मायका, और मैं आज मम्मा के घर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। आओगी आप तो मंकी कहाँ पर बैठा है। चलो चल रहे हैं गैलरी में। चलो 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 मुझे गैलरी में लेके जा रहे हैं। अभी ओपन कर रहे हैं गैलरी। क्या है यहाँ पे, व्हाट इज हियर। मंकी मंकी किधर है बताओ, कहाँ पे। आंटी आई थी अभी, आंटी ने भी देखा। बाप रे इधर दिखाओ मेरे को, इधर है क्या। अरे बाप रे यहाँ पे तो बड़ा क्यूट क्यूट बड़ा खूबसूरत सा है। तो यहाँ मंकी कैसा है, मंकी को करंट नहीं लगा। हाँ करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। भागो 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 भैया भागो, जल्दी भागो भागो। चलो जी चलो 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 जल्दी से चलो। तो गाइज़ मैं घर आ चुकी हूँ मम्मा के, और अब मैं अपने वीडियो को यहीं कर दूँगी एंड। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।